राधे राधे फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक मुरादाबाद से। बारिश के बाद देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स की ग्रोथ एकदम कितनी तेजी से होती है। नई नई पत्तियाँ रेड कलर की इतनी सुंदर लगती हैं। सारे प्लांट्स का यही हाल है। बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं ये। इसमें भी देखिए, रेन लिली में एकदम कितनी सारी कलियां आ गई हैं। ये देखिए, ये आ रही हैं, बहुत सारी कलियां आ रही हैं इसमें। मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत सुंदर लग रहे हैं इस समय, बहुत अधिक मात्रा में खिल रहे हैं ये भी। ये मेरे यहाँ हर साल खुद ही उगाते हैं अपने आप। ये सदाबहार भी देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। अच्छी ग्रोथ होती है बगैर कोई भी खाद डाले हुए। बारिश का पानी ही इसमें खाद का काम करता है। इस पर भी सब देखिए, नए नए फूल आने शुरू हो रहे हैं। गंधराज पे भी सब नई नई ग्रोथ शुरू हुई है। ये मेरा बिल्कुल मरा सा हो रहा था, देखिए कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए चीकू का प्लांट, इस पे चीकू नहीं आ रहा है लेकिन इतना सुंदर हो रहा है ये, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। नई नई पत्तियाँ आ गई हैं पैरेट ग्रीन, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। इस पर भी देखिए, ये बरगद का है। हर प्लांट पर नई नई ग्रोथ हो रही है, बहुत ही सुंदर। ये चंपा पर भी मेरे रेड फूल आने शुरू हो गए हैं 3 साल के इंतजार के बाद। बहुत ही सुंदर कलर है, 3 शेड में है ये, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत सुंदर हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। ये पूरे गुच्छे भरे हुए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में। कुदरत ने जैसे हर जगह सुंदरता अपनी बिखेर दी है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये
देखिए खिलते हुए, सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, खिलने वाले हैं। कोयल की आवाज, ये नाग चंपा, इसके तो बस कहने ही क्या है, बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में फूल चाहिए तो ये नाग चंपा जरूर लगाएं। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।